इससे पहले ना जैसे मैंने उसको गोद में लिया, सबको राम राम। आज day 4 मतलब day 4 है आज बाबूड़ी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एक्चुअली क्या है कि कल रात को पहली बार घर आया था मैं, उससे पहले रात को घर नहीं आया, उससे पहले कल दिन में घर आया था, फिर कल रात को घर आ गया था। कल रात को घर आया तो बाबूड़ी में डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका इंतजाम नहीं है, बच्ची NICU में है और आप फालतू हो गए और संगीता जी को मैनेज करना है। हालांकि वो बड़ी बात भी और सब बैठे वो कर ही रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत आप देखो और आज संगीता जी को लेके आओ। संगीता जी को इसलिए लेके आओ कि आज उसको बच्ची ने डॉक्टर साहब के हिसाब से रिपोर्ट्स के हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेस की है तो अब आज उसको वापस बच्ची को माँ का दूध पिलाएंगे। माँ का दूध पिलाते हैं और अगर वो कल वो ऑक्सीजन कल उसको ऑक्सीजन बंद करके बिना ऑक्सीजन के थी और उसके बाद भाई खुद की ताकत से खींच रही थी और उसके बाद में ग्लूकोज की मात्रा भी कम कर दी थी, ग्लूकोज की मात्रा भी 40% थी, आज 40% से भी कम कर देंगे। कल रात को कर दिया डाउन, आज दिन भर रिपोर्ट देखेंगे डॉक्टर साहब, आज उसकी रिपोर्ट्स बनेगी तैयार होगी और शाम को उसका होगा वो यहाँ का क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड एक और चीज़ कुछ बोलते हैं सोनोग्राफी, सर की सोनोग्राफी होगी क्योंकि उसका इन्फेक्शन था तो डॉक्टर साहब को लग रहा है उसका थोड़ा कंट्रोल में, वो दूध भी थोड़ा बहुत पीने लग गई तो पाउडर का दूध तो वो पीने लग गई थी खुद डब्बे का, तो अब डॉक्टर साहब ने उसको बोला भैया सहिता जी को आप लेके आओ जेठू जी, ताकि अपन देखते हैं कि उसको माँ का दूध पीती है अच्छे से और माँ का दूध अगर पीने लग जाती है तो आगे की रिपोर्ट तो उनसे करवा दे सोनोग्राफी और फिर आगे की जो भी रिपोर्ट होगी वो डॉक्टर साहब तय करेंगे भी उसको कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी मैं आपको डिटेल दूंगा। तो अभी मैं सहिता जी को लेके और बीकानेर हॉस्पिटल निकल रहा हूँ और जो भी डिटेल होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ में हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये और किसी माँ बाप के साथ में नहीं होता। मैं कल भी हॉस्पिटल में था, परसों भी हॉस्पिटल था, तरसों भी हॉस्पिटल था, बच्चों के हॉस्पिटल है, 200 बच्चे थे, आप समझो बात को, तो 200 बच्चे तो कोई ऐसा है नहीं कि हर दिन के नहीं, मैं कहूँ तो हर जो मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन ऐसे हर सेशन के समझ लो आप, तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग क्या करते होंगे। वायरल इस टाइम का है और जन्म लेने वाले बच्चों के साथ ऐसे इन्फेक्शन होता ही है ना, तो इसलिए अभी थोड़ी ज़रूरी है देख रेख केयरिंग समझदारी इंसान की, तो यही चीज़ें हैं। तो आज जो सब क्या रिपोर्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ और आगे का आगे देखा जाएगा क्या होता है, मतलब क्या चलता है रूटीन बताऊँगा शेयर करूँगा। और हाँ, अपने अब तक लोग देखे नहीं देखे वो देखे तो इसलिए देखे कि चलो मनोरंजन शौक एक्साइटेशन वो देखना था, लेकिन आगे के व्लॉग आप ज़रूर देखना क्योंकि ये आप ये सब प्रेग्नेंट लेडी के पीरियड के दौरान काम आने वाली चीज़ें होंगी। हमने कोई लापरवाही किया तो भी नहीं छुपाएंगे, हमने कोई अच्छा किया है वो भी बताएंगे, शुरू से जो अच्छा किया है वो भी बताएंगे, या फिर कोई हमने जो गलती करके फिर सुधार किया है वो भी बताएंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, कुछ भी इसमें नहीं छुपाएंगे और ये आगे काम आने वाली चीज़ होगी हर किसी के, है ना। तो अब ये आगे से व्लॉग ज़रूर 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 देखना। तो हम लोग निकल चुके हैं बीकानेर के लिए और आज 3 दिन बाद में माँ बच्ची से मिलने वाली है ना सीता जी। कूल तो होना चाहिए आपको, है ना, एकदम कूल रहिए, लंबी सांस लीजिए, धीरज रखिए, एकदम रहिए ताकि जो आपका बच्ची से मिलन हो उसके परिणाम जो रहे वो सुखद रहे, जैसे हम चाहते हैं वैसे रहे, है ना, या जैसी रिक्वायरमेंट है समय की वैसे रहे। इसके लिए एकदम कूल रहिए, लंबी सांस लीजिए, कृष्ण भगवान को धन्यवाद बोलिए, राधे राधे बोलिए। तो निकल चुका मैं, सहिता जी, बीच वाली भाभी, इंदु और राम सिंह भैया। ठीक है सहिता जी, अब आपको वहाँ पहुँच के माँ बेटी का मिलन दिखाते हैं। क्या महसूस हुआ, एक्साइटेड है पहले? चलो मास्क बारीक करूँ, ठीक हो। और सहिता जी गए वहाँ सामने अंदर बच्चे को फिटिंग करवाने के लिए, लगे उनको ताकि बच्चे को फिटिंग करें। कोटेज एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब है अभी बच्चों की, यहाँ पर इतना वायरल हो रहा है अभी हवा के साथ में एकाएक से, तो सारे कोटेज पे गए, फिर वो एडजस्ट करके दे रहे हैं, तब तक सहिता जी बच्चे को बच्चों की फिटिंग रूम में ले जाकर फिटिंग करवाएंगी। वहाँ अंदर बैठ चुके हैं, पहली बार मिलती है बच्चे से वापस 3 दिन बाद में, मैं भी थोड़ा सा छुप के देखूँगा, मैं तो हालांकि कल भी देख चुका हूँ, मैं तो हर टाइम 2-3 दिन में मिलता देखता हूँ,
फिर भी जो भी चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। कहाँ का खुले इंटरव्यू? आज तक खोली है बात, पहले पूरी देखी है, पछ ली है। माँ भी रोई, बेटी भी रोई, दोनों दोनों लोए है ना। बेटो ये हमारे बेटो ये आ झाका मैंने, ये आ झाका मैंने। हाँ, तीन दिन हो गया उसे। ये लला सबसे पहले ना, जैसे मैंने उसको गोद में लिया मैं भी रोई, वो भी रोई ना। उसको हक करके जैसे मैं रोई ना, वो मुझे ऐसे देख रही है, मैं ऐसी बात की हाँ जो मुझे मतलब रिस्पॉन्स करी थी। इतने दिन कहाँ थी मेरी माँ, इतने दिन कहाँ थी? इतने दिन कहाँ थी? चार दिन बाद उसको सेहत थी। उसमें क्या था ना, बच्चों की खुशबू से ही होता है सब कुछ। माँ बाप माँ की खुशबू, बच्चे को माँ की खुशबू नहीं, माँ को भी बच्चे की खुशबू से प्यार होता है। से ठीक करके ठीक है, टाइम तो लगेगा लेकिन पॉजिटिव है तो सुधार आएगा ना। सरिता नींद आ गई तने? सरिता ये सरिता नींद आ गई, तुम थोड़ी मत बाहर पड़े है। बेवकूफ इंसान, हाँ जी। तो पिछले तीन चार दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मेरा ना तो दिमाग ठिकाने पे था, ना मेरा मन ठिकाने पे था। सिर्फ रोती रही रोती रही रोती रही, बहुत रोई मैं। उस वजह से मेरे को हेडेक भी हद से ज़्यादा हो गया और लेग में भी बहुत ज़्यादा क्रैम्स आ गए। तो आज फाइनली मैं मेरी बेटी के पास आई, बेटी से मिली। मैं आपको बताऊं कि जब मैं उसको गोद में ली ना, मतलब मैं इतना रोई, और वो जैसे मेरे पास आई ना, वो मुझे ऐसे देख रही है, ऐसे देखी 2 मिनट और फिर मैं भी रोई और वो भी रोई। मतलब ये कंडीशन थी मेरी, बहुत आला। मुझे पता है कि जापे में नहीं रोना चाहिए, आंखें कच्ची होती है, पर पता नहीं पता नहीं कुछ तो ऊपर वाले ने सोच रखा होगा। आपको बताऊं कि आज से 4 दिन पहले, मतलब मेरी बेटी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए हमने जो नाम की सेरेमनी है वो भी बहुत छोटे रूप में की थी, कि भाई एक बार वो जो दस्तूर करना है वो दस्तूर कर लेते हैं, क्योंकि ना तो ये ज़्यादा दूध लेती थी और सिर्फ सोती थी, उसको टॉयलेट भी बहुत कम लगता था। और जिस दिन इसको यहाँ पर लेके आए ना, उस दिन 101 डिग्री बुखार था उसको। बहुत सारी टेस्टिंग हमने नोखा में करवाई थी, ऐसा नहीं है कि नोखा में नहीं करवाई, नोखा में जैसे ही करवाई तो डॉक्टर ने यही बोला कि अर्जेंट इसका ट्रीटमेंट चालू करना है। और आप समझ सकते हो, इतना छोटा सा बच्चा माँ से दूर रहेगा तो माँ और बच्चे दोनों में क्या हालत होगी। मैंने बहुत समझाया अपने आपको, नहीं रहूँगी, बट होता है ना कुछ चीज़ें, खुद को बताने से नहीं होती है, खुद को समझाने से नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। फाइनली फिर लेके आए मुझे, और आज जब उससे मिली तब जाके थोड़ा सा सुकून आया। ये मान लो रातों की नींद कहीं गई, वो पास रहती है तो उसको वो 2-3 घंटे में उसको दूध पिलाना, उसका ये करना, तो फिर वैसे रहता है। और जब वो पास नहीं थी, तीन रात उसके बिना निकाली है मैंने, मुझे नींद नहीं आई थी, पूरी रात ऐसे जगती थी मैं कि मेरी बेटी क्या कर रही होगी। हालांकि जेठू जी यहीं थे, उसके पास कॉटेज में लेके रहे थे वो, है ना, और मैं वहाँ थी। सबने यही बोला था कि जब डॉक्टर बोलेंगे कि भाई माँ को बुलाओ तब जाना, क्योंकि जापे का टाइम है, जापा भी बिगड़ जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं।
तो फिर ठीक है, मैंने जिद तो नहीं किया, बट माँ का मन है तो वीडियो कॉल पे करती रही। दिन में 3 बार उसको देखने के लिए होता था, तो फिर जेठू जी मुझे वीडियो कॉल पे दिखाते थे, मैं बहुत रोती थी उसको देख के। Day 1 तो उसके यहाँ पे नली थी, मतलब दोनों हाथ दोनों पैरों में ड्रिप में, मतलब सारी चीज़ें लगी हुई थी ना, तो उसको देख के इतना रोना आ रहा था मुझे, इतना रोना कि मेरी नन्ही सी जान को इतनी तकलीफें आ गई। होते ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आज का दिन बहुत अच्छा गया था। मैं मेरी बेटी को गले लगाई, दिल से लगाई, मैंने यहाँ से जैसे ही चिपकाई ना, वो एकदम ऐसी हो गई थी ऐसे देख के। और जब भी वो मेरे पास आती बस उसको नींद आने लग गई थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि माँ के पास जन्नत होती है और हमारे पास जेल होती है, तो वो NCU में एडमिट है और अभी भी उसको रखेंगे 4-5 दिन। और ये सारे वीडियोस ना पता नहीं कैसे क्या, जब जो थोड़ा सा लग रहा है वो शूट कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं शूट किया। सही में सारी चीज़ें अलग हो गई, आप लोगों ने देखा होगा मैं ना यूट्यूब में एक्टिव हूँ, ना मैं इंस्टा पे, कहीं पे भी नहीं। मैंने मेरे जो टीम है उनको भी रोक दिया कि कहीं पे कुछ मत पोस्ट करो, मेरी बेटी जब सही हो जाएगी उसके बाद ही वापस सब कुछ करेंगे। तो मैं नाइट में यहीं रहूँगी, मेरी जेठानी यहीं रहेंगी बीच वाली, और जेठू जी गए हेमंत के पास क्योंकि उसको भी ज़रूरत है, उसका भी पेट जल रहा है अपनी बहन के बिना। तो बस छोटे छोटे कोई क्लिप्स होंगे तो मैं आपको दिखाती रहूँगी, अदरवाइज चल रहा है। और मैं भी मेरे डॉक्टर को दिखा के आई तो डॉक्टर ने बोला तुमको एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, तुम सोच रही हो और तुम बहुत रोई हो, तुम्हारे फेस देख के लग रहा है। तो रोना तो यार एक माँ है तो रोना तो है ही। आपको पता मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। कितनी चेंज हो जाती है ना लाइफ, कितनी चेंज, मतलब मुझे ये बताया कि मैं बहुत चेंज हो गई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, सब कुछ, सिर्फ मुझे मेरी बेटी से प्यार है। वो पास रहती है ना, मैं ना फ़ोन देखती हूँ, ना मैं कोई चीज़ शूट करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ, सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना है मुझे बस। मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा जो है आपके साथ मुझे अपडेट देना चाहिए, जैसे कि अपनी शुरुआत में देखा मैं कहीं पर भी नहीं दिख रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ना कुछ शूट किया, मैंने मन नहीं था मेरा। अभी थोड़ा सा ऐसे है कि डॉक्टर ने भी बोला है थोड़ा सा चिल मोड में आना ज़रूरी है मुझे, क्योंकि फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बस बाकी अभी थोड़ी सी ठीक हूँ, मेरी बेटी मेरे पास है, मैं उसके पास हूँ, वो मेरे पास नहीं है, मैं उसके पास हूँ, मैं फिर भी थोड़ी सी सेटिस्फाई हूँ। और आगे जो भी रहेगा आप लोगों के साथ अपडेट करते रहेंगे हम। जय श्री कृष्ण, जय जय विष्णु, राम राम। ये तो आते ही ऐसे चक्कर लगने लगे फिर से इसका। वहाँ पे सारा काम करके आती है, माँ के पास आते हैं, नींद आ जाती है ना। वहाँ पे दीदी लोग सब काम कराती है, सारा काम काम करती है बेटो। तो आप मेरी शक्ल देख रहे हो, पूरे होठ फट गए हैं, आंखें पूरी अंदर चली गई हैं, क्योंकि नींद का कोई अता पता ही नहीं है। इतनी नींद आती है कि नींद होती नहीं है। हाथों की चूड़ी इसलिए खोल दी है क्योंकि मेरी जो बेटी है उसके कैंडुला लगा था और वो बार बार हाथों को मेरे को पुश कर रही है, जब वो फीड नहीं ले पा रही है तो फिर उसके ना चूड़ी में लग रहे थे, तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि ये खोल दो, तो मैंने खोल दिया। और आज है हमारा Day 6, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है लाइफ। ये देखो ये इतनी सारी मशीनें लगी हैं, ये मशीनें हैं, एक वहाँ पे थी वो अभी फिर से लगाएंगे, कुछ देर के लिए ले गए हैं, और अभी उसको ले गए हैं कोई टेस्टिंग के लिए क्योंकि उसको बराबर टेस्टिंग वगैरह हो रही है। और काफ़ी रिकवरी पर है बट थोड़ा टाइम लगेगा, हर चीज़ को टाइम लगता है। और उसको क्या हुआ था वो हम घर जाएंगे तो डिटेल से आपको बताएंगे थोड़ा सा पार्ट में, है ना। ये रे जेठू, जेठू जी, ये रे जेठू जी। नाइट में हम दोनों ने मिलके हैंडल किया था,
क्योंकि उसको दूध पिलाना भी ज़रूरी, और हर डेढ़ डेढ़ दो घंटे, बहुत छोटी है तो अभी वो उठती भी नहीं है, तो उसको दूध भी देना, कभी सुसु कभी पोटी, सारी चीज़ें, तो नींद दोनों की कहीं गई है। मेरी शक्ल भी आपको दिख रही है, और जेठू जी जेठू जी की भी शक्ल आपको दिख रही है, तो ये हालत हो गई है। बट ठीक है, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हम सब घर चले जाएं, वो बहुत है। हेमंत वहाँ है, आज हेमंत आने का बोल रहा था, तो शायद आज हेमंत आएगा। बाकी अब बेटी काफ़ी रिकवरी पर है, और अभी भी लग जाएंगे। डॉक्टर 10 to 14 days का टाइम मांगे थे, तो 6 days आज है। सारी चीज़ें अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे, बट ये ब्लॉग कब अपलोड होगा वो नहीं पता है, जब जैसे टाइम मिल रहा है, आगे पीछे का क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस छोटी छोटी चीज़ें शूट करके रख रहे हैं कि ठीक है जब हम घर जाएंगे, हमारा मूड ठीक होगा, उसके बाद हम सारी चीज़ें, हम हमारे लाइफ में वापस सेटल होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत लाइफ उतार चढ़ाव चल रही है, क्योंकि अब हेमंत के भी स्कूल खुल गई है, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर पा रही हूँ। क्या हुआ? छह महीने पहली पहली गर्मी तो आ गई, पहली बारिश और पहली सर्दी, तीनों मौसम को आप एक्चुअली क्या, ये बहुत वीक है, बहुत वीक, 25 days पहले हो गई थी ना, तो ये बहुत वीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ रहा है। कोई ना, जहाँ ये साथ हैं तो मैं सारी चीज़ें कर लूँगी, क्योंकि कभी 1 घंटे मैं देख रही हूँ जग रही हूँ, कभी 1 घंटे ये जग रहे हैं, ऐसे कर करके हम मिलवाट के कर रहे हैं। बट ठीक है, मिस हॉस्पिटल से घर चले जाएँ, हम लोग खूब सारा प्यार देना, नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी, है ना। तो ये वाला ब्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं, बाय।